हमारे देश में यूं तो खूब पढ़ाया गया कि मुगलों ने लाल किला बनवाया, मुगलों ने ताजमहल बनवाया, लेकिन जो कभी नहीं पढ़ाया गया, जो कभी बताया नहीं गया, वो ये था कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़वाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिस पर मुगलों ने अत्याचार किया, जिसे तबाह करने की कोशिश की गई, बर्बाद करने की कोशिश की गई, लंबे वर्षों तक उस पर संघर्ष हुआ और उसे तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया, लेकिन फिर भी आज वो मंदिर अपने नए अस्तित्व और अपने नए तेवर के साथ चमक रहा है और नई बुलंदियों का नया इतिहास लिख रहा है। काशी विश्वनाथ को तोड़ने वाले खुद तो मिट्टी मिल गए, लेकिन नहीं मिल पाई मिट्टी में तो है उसकी अपनी आभा, चमक, प्रकाश, ज्योति, किरण। मानने वाली बात यह है कि जिस मंदिर पर आतंकी विचारधारा के शासकों ने अत्याचार किया, जिनको ऐसा लगता था कि काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया जाएगा तो हिंदू धर्म या हिंदू सभ्यता समाप्त हो जाएगी। समाप्त तो वो होते हैं, टूटते वो हैं जो बनाए जाते हैं, और जो खुद बने बनाए हो उन्हें कोई क्या तोड़ेगा। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा भोले यानी भगवान शिव का मंदिर, जिसे विश्वनाथ भी कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का राजा, द किंग ऑफ यूनिवर्स। हमारे देश में यूं तो खूब पढ़ाया गया कि मुगलों ने लाल किला बनवाया, मुगलों ने ताजमहल बनवाया, लेकिन जो कभी नहीं पढ़ाया गया, जो कभी बताया नहीं गया, वो ये था कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़वाए, मुगलों ने कहां कहां पर मंदिरों पर अत्याचार किए, मुगलों ने किन किन लोगों पर हमले करके उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। बात यहाँ धर्म की नहीं हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि जो मुगल इतने अत्याचारी थे, जो मुगल हिंदू सभ्यता को समाप्त करना चाहते थे, जो मुगल हिंदू धार्मिक स्थलों को तबाह करना चाहते थे, उन मुगलों को हमारी किताबों में महान बना दिया गया। दी महान अकबर, शाहजहां, प्यार की निशानी ताज। लेकिन ये बात कितनी हकीकत है, कभी इस पर बात होगी कि मुगलों के बारे में मुगल महान थे या मुगल बदनाम थे। लेकिन आज बात हो रही है काशी विश्वनाथ बाबा भोले की नगरी, जो मोक्षदायिनी है। ये ऐसा मंदिर, ये ऐसी नगरी जहाँ पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने अपना आगमन किया और यहाँ पर आए और काशी की महानता को देखा। न सिर्फ काशी की महानता को देखा, बल्कि उन लोगों ने अपने अलग अलग विचार जो है इस नगरी के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में प्रस्तुत किया। हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों में उस औरंगजेब के बारे में, जिसने काशी विश्वनाथ पर बहुत ही बर्बरता से आक्रमण किया और वो चाहता था कि इसको ध्वस्त कर दिया जाए, और उसके इतने हमले करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह से सेना भेज करके तोड़वाने के बावजूद भी अगर नहीं टूटा, नहीं हटा, तो वो है बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी विश्वनाथ। बात सिर्फ ये नहीं है कि जिन मुगलों ने मंदिरों पर आक्रमण किए, मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए इरादे बनाए, मंदिरों को तोड़ कर किए, उसकी जगह पर अन्य धार्मिक स्थल, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया तो वहां पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था ज्ञानवापी मस्जिद। बात मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि उस व्यक्ति जो मुगल बाहर से आए और बाहर से आकर के भारत के लोगों पर अत्याचार किया, भारत के लोगों पर धर्म के नाम पर इतना अत्याचार किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, उन मुगलों को हमारी किताबों में महान कैसे बना दिया गया, ये जरा सोचने वाली बात है। आप भी सुनते होंगे तो ये सोचते होंगे कि अगर ये मुगल इतने ही बदनाम थे, इतने ही बर्बर थे, इतने ही क्रूर और अत्याचारी थे, तो फिर हिंदुस्तान में इन मुगलों को इतना सम्मान क्यों दिया गया। इसी देश में एक लेफ्ट विचारधारा रहती, इसे आप वामपंथी विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा को हिंदू धर्म जो है वो रास नहीं आता। हिंदू धर्म की महानता, उसकी संस्कृति, सभ्यता, ये चीजें उसको पसंद नहीं आती, इसलिए जो भी हिंदू धर्म पर अत्याचार करता है, हमले करता है और उस पर क्रूरता करता है, उसे मिटाने की कोशिश करता है,
इसी देश की वामपंथी विचारधारा उनको महान बना देती है, और ज़्यादातर जो इतिहास भारत का लिखा गया वो वामपंथी विचारधाराओं द्वारा लिखा गया, और इन वामपंथियों द्वारा जो इतिहास लिखवाया गया उसमें एक लंबे समय तक जो सरकार रही उसका नाम है कांग्रेस सरकार। अब आप सोच रहे होंगे कि मुगलों ने तुड़वाया, वामपंथियों ने लिखा, कांग्रेस का नाम कैसे आ गया यहाँ पर। दरअसल बात यह है कि आपको याद होना चाहिए ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने 1955 में जब सऊदी अरब का राजा शाह सऊद भारत यात्रा पर आया था, लगभग 17 दिनों की यात्रा पर वो भारत में रहा, और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता थे। आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता या मुखिया, अध्यक्ष, आप कुछ भी कह लीजिए, वो नेहरू जी की संतानें ही हैं। इसे आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी समझते हैं, प्रियंका गांधी समझते हैं। दरअसल बात आप ये भी सोच रहे होंगे कि नेहरू, जवाहरलाल तो नेहरू थे, फिर इनके आने वाले बच्चे गांधी कैसे बन गए। दरअसल इस बात का भी इतिहास बड़ा कम्प्लेक्स है। यही तो बात है, जो व्यक्ति परिवार एक है और एक ही परिवार एक पार्टी पर कब्जा किया हुआ है, उसने अपने कितने टाइटल बदल दिया, कोई नेहरू बना तो कोई गांधी बना तो कोई वाड्रा बन गया। एक परिवार के एक सदस्य जो एक धर्म के नहीं हो पाए वो इस देश के हिंदू धर्म के क्या होंगे। जो खुद अपने परिवार के धर्म के बारे में नहीं सोच पाए, सत्ता की लालच, पैसे की लालच ने जितने सदस्य उतने धर्म बनवा दिए उनके, तो उन लोगों को भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कार कैसे समझ में आएगा। मैं सीधे टॉपिक पर आना चाहता हूँ। जब सन 1955 में शाह सऊद भारत आए थे, तब उस वक्त नेहरू जी ने एक काम किया था, दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, और उस विशेष ट्रेन में भी विशेष तरह के कोच लगवाए गए ताकि उन्हें ये ना लगे कि भारत के लोग इस तरह के सिस्टम में जीते हैं। उन्हीं लोगों ने अपनी ही पोल पट्टी ढकने के लिए ट्रेन, विशेष ट्रेन की व्यवस्था करवाई और विशेष कोच बनवाया गया ताकि ये ना मालूम पड़े कि इनके शासनकाल में भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, जो भारत के लोग हैं वो कैसे हालात में रहते हैं। और वो दौर भी आया जब काशी यानी वाराणसी में शाह सऊद यात्रा पर थे, और वो जिन जिन रास्तों से गुजरे थे उन सभी रास्तों पर पड़ने वाले मंदिरों को ढकवा दिया गया था। इसलिए ढकवा दिया गया था क्योंकि जो सऊदी अरब है वो इस्लाम का केंद्र था, और चाचा नेहरू को लगता था कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन्हें मूर्ति पूजा या फिर हिंदू धर्म जो है रास नहीं आता है। और शाह सऊद को खुश करने के लिए नेहरू ने सभी मंदिरों को पर्दे से ढकवा दिया। और उसी समय वाराणसी के एक बड़े ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने एक अपनी शायराना अंदाज में लिखा, अदना सा व्यक्ति आया और काशी को ढकवा दिया। यानी उनके कहने का मतलब ये था, जो बड़ी बात यह है कि जो लेखक थे वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उनकी सोच देखिए, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा जो सऊदी अरब से आया हुआ राजा था, उसको उन्होंने कहा अदना सा व्यक्ति था और काशी को ढकवा दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह था, जिस काशी की महानता, जो काशी दुनिया में सबसे प्राचीन नगर है, जो काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, जिसका अपना एक इतिहास है, उस काशी को तुमने सिर्फ एक सऊदी अरब के राजा के लिए ढकवा दिया। अरे उस राजा को अगर मंदिर पसंद आता तो ठीक था, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो दोबारा नहीं आता, लेकिन तुमने भारत और भारतीयों की सभ्यता को एक तुच्छ व्यक्ति के लिए, एक राजा के लिए, भारत की सभ्यता जो भारतीय संस्कृति, ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति अगर कोई है तो सनातन और हिंदू समाज है। यानी कि वो व्यक्ति, जो राजा जो आया था सऊदी अरब से, उसको तुमने खुश करने के लिए भारत के मंदिरों पर कपड़े डलवाते हो, और जो भारत, जो उस समय रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स थी, इमारत थी, उन सभी इमारत पर झंडे लगवाकर उस पर कलमा लिखवा दिया गया। अब जरा सोचिए, आप किस विचारधारा के थे कि मतलब सऊदी अरब का व्यक्ति आ रहा है तो उसको आप इस्लाम की प्रशंसा अगर नहीं करेंगे, मंदिरों को नहीं ढकवाएंगे, इमारतों पर कलमा नहीं लिखवाएंगे, तो वो नाराज हो जाएगा। जिस कांग्रेस शासनकाल के दौरान यहाँ की सरकारों की ऐसी छवि थी कि अपने धर्म और अपने समाज की सभ्यता जो है
उसको ठग करके दूसरे को खुश किया जा रहा है। वो लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान की बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि किसने हिंदू मुसलमान किया इस पर भी बात होगी। जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इससे पहले भी, औरंगजेब से पहले भी जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी खूब आक्रमण किया, लेकिन जितनी बार इस पर आक्रमण होता गया उतनी बार इस मंदिर को बनवाने के लिए कोई ना कोई जो ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म या फिर हिंदू सभ्यता से विश्वास रखता था वो आगे आता था और इस मंदिर का निर्माण करवाता था। तोड़ने वाले आते रहे, बनाने वाले भी आते रहे, लेकिन तोड़ने वाले का अंत हो गया, इतिहास मिट गया। लेकिन नहीं इतिहास मिटा तो है काशी विश्वनाथ का, मोक्ष की नगरी काशी, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि काशी में आने से मोक्ष मिलता हो। उस काशी विश्वनाथ के मंदिरों पर, उस वाराणसी के मंदिरों पर मुगलों का अत्याचार, आज़ादी के बाद कांग्रेस का अत्याचार, मंदिरों को ढकवा कर सऊदी अरब के लोगों को खुश करने का अत्याचार, ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि वो धर्म के आधार पर भारत के लोगों को नहीं बांटती। अरे धर्म के आधार पर तो आपने 1947 में देश का बंटवारा कर दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर। उस समय इस देश में कहां पर बीजेपी थी जरा बताइए। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, अरे साहब आपने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट दिया। 40 लाख लोग इस देश में बेघर हो गए थे और कई लाख लोगों की हत्याएं हो गई थी। यानी कि अपनी सत्ता की लालच में, अपनी कुर्सी की लालच में आपने इस देश का बंटवारा कर दिया धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर। और बातें करते हो कि नफरत की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, हिंदुत्ववादी करते हैं। ये बीजेपी और हिंदुत्ववादी को तो आप साइड रखिए, आप अपने विचारों को देखिए कि आपने धर्म के नाम पर इस देश के लोगों के साथ क्या किया। इस देश के लोगों को अलग अलग करवा दिया, इस देश के लोगों को आपने गदर मचवा दिया, इस देश के लोगों का आपने आशियाना यानी घर छीन लिया, लोगों को आपने उस हुए दंगे में 1947 का एक बंटवारा सिर्फ बंटवारा नहीं था, वो बंटवारा इस वक्त का इतना बड़ा दंगा था कि उतना बड़ा दंगा आज तक पूरे समाज यानी भारतीय इतिहास में नहीं हुआ होगा। लोगों ने सिर्फ सत्ता के लिए देश का बंटवारा करवा दिया। नेहरू को ये बातें, जो देश के बड़े महान लोग थे, बड़े क्रांतिकारी थे, उनका ऐसा कहना था कि जो नेहरू की पॉलिसी है ये सही रास्ते पर नहीं है, और ऐसा ही रहा तो एक दिन जो भारत है वो विखंडित हो जाएगा। जब हमारे वो काशी विश्वनाथ मंदिर जिस पर औरंगजेब ने जब भयंकर आक्रमण किया और उसको तोड़ करके उसके बड़े भाग पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, तब वो वक्त आया जब 1780 के दौरान मराठा शासक, इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। महाराजा रणजीत सिंह का जो राजसी सिस्टम था, उस खजाने में से उन्होंने पूरा खजाना उस मंदिर को डेकोरेशन में दे दिया, और उसी से मंदिर का जो भव्य मुकुट था उसको बना करके तैयार किया गया। जो नया मंदिर बन के तैयार हुआ है, आप शायद देख रहे होंगे जो शिखर है वहां पर जो सोना लगा हुआ है, वो महाराजा रणजीत सिंह के योगदान से ही वहां पर, उनका दान जो दिया गया था वही उस मंदिर पर विराजमान है। कांग्रेस सरकारों में जिन मंदिरों को ढका जाता था, मोदी सरकार में उन्हीं मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसको भव्यता दी जा रही है। दरअसल मंदिर निर्माण है क्या? मंदिर सिर्फ मंदिर का रास्ता नहीं है, मंदिर वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक विकास लेकर के आता है। जब काशी विश्वनाथ मंदिर का इस तरीके से पुनर्निर्माण और कायाकल्प हुआ है तो वहां पर आने वाले जो पर्यटन है उनकी संख्या बढ़ेगी, इससे वहां के जो टूरिस्ट हैं, इससे वहां के जो गाइड्स हैं जो लोगों को यात्रा करवाते हैं, लोगों को वहां के बारे में बताते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ वहां के जो छोटे मोटे लोग हैं, जो छोटा मोटा उनका व्यापार है, जो लोग बाहर से आएंगे उनसे सामान खरीदेंगे, वहां पर रहने के लिए होटल्स वगैरह जो होंगे उनको काम मिलेगा, और उसमें होटल में रहने काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। साथ ही साथ नए बाजार डेवलप होंगे, और नए बाजार बनने से नए व्यापारियों का भी विकास होगा, या फिर जो छोटे
कामगार हैं जो अपना रिक्शा चला करके या अन्य साधन से अपना परिवार चलाते हैं, उनको भी नए अवसर मिलेंगे। क्योंकि मंदिर एक ऐसा रास्ता होता है, या फिर आप ये कह लीजिए जो किसी भी धर्म का जो तीर्थ स्थल है या धर्म स्थल है, वो लोगों को मोटिवेट करता है कि इंसान को इंसान बने रहने पर। आज हमारे समाज में बातें होती हैं कि किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत खत्म होती जा रही है। वो ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल जितना आपको धर्म से दूर किया गया, उतना ही आपके अंदर जो एक सोच थी ना डरने वाली किसी से, वो विकसित होती चली गई। धर्म का जो एक आईना था, वो इंसान को ये बताता था कि यदि आप गलत करोगे तो उसका आपको गलत परिणाम मिलेगा। यानी इंसान अगर गलत करना भी चाहता था तो भी वो धर्म के आगे एक बार को अपने विचारों को सोचता था कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने धर्म को अंधविश्वास बताना शुरू कर दिया, धर्म यानी मंदिर में जाना मूर्खता साबित करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे लोगों से मन में जो डर थी इंसानियत वाली, वो खत्म होती चली गई। और यही वजह रही, जब इंसान के अंदर डर रही नहीं तो फिर वो दुराचार गलत काम पर उतर आया, और जिसकी वजह से समाज में इंसानियत की जगह शैतानियत वाली बुद्धि के लोग ज़्यादातर विकसित होते चले गए और समाज में बुराइयां व्याप्त होती चली गईं। जब इंसान धार्मिक चीज़ों की मूर्खता समझेगा तो सीधी सी बात है, वो किसी भी काम को करेगा तो क्यों किसी से डरेगा? यानी कोई भी बुराई या गलत काम करेगा तो किसी से क्यों डरेगा? और बड़ी बात यह है कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को कांग्रेस सरकार में बिल्कुल ही इग्नोर अनदेखा कर दिया गया था, वो दौर भी आया था कांग्रेसियों के शासनकाल में जब मंदिरों को मूर्खता की एक कैटेगरी बता दिया गया था कि मंदिर जाना मूर्खता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।